हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं योगी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सेक्सिटी जीके में। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं नई वीडियो के साथ। पहला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने, साहित्य, कला, विज्ञान, फिल्म। तो भाई पहले का राइट आंसर है साहित्य। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 मई, 8 मार्च, 7 अप्रैल या 8 सितंबर? तो भाई इसका राइट आंसर है 7 अप्रैल। ठीक है भाई। सनशाइन विटामिन है यानी जो विटामिन हमें सूरज से मिलती है उसका नाम ए बी सी या डी? तो उसका नाम है विटामिन डी, जो हमारी हड्डियों के लिए अच्छी होती है, मजबूत करती है हड्डियों को। छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो इसका राइट आंसर है विटामिन सी। केचुए में कितनी आंखें होती है? 1, 3, 2 या NOD? तो इसमें होती हैं यानी एक भी नहीं, NOD। क्वेश्चन नंबर 6, मूल कर्तव्य का वर्णन है। भाग एक में, भाग दो में, भाग तीन में या भाग चार के में? तो इसका राइट आंसर है भाग चार के क्रम में। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान संशोधन का वर्णन किस भाग में है? भाग 20 में, भाग 18 में, भाग 17 में या भाग 10 में? तो इसका राइट आंसर है भाग 20 में। क्वेश्चन नंबर 8, हैजा रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण, जीवाणु के कारण, फंगस के कारण, प्रोटोजोआ के कारण? तो ये होता है जीवाणु के कारण। क्वेश्चन नंबर 9, जोंजिला दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो ऑप्शन आपके सामने, कर्नाटक, सिक्किम, गोवा, दिल्ली? तो इसका राइट आंसर है मेरे भाई सिक्किम। जोंजिला दर्रा सिक्किम में। रेबीज के टीके की खोज की चार्ल्स डार्विन ने, लुई पाश्चर ने, हरगोविंद खुराना ने? तो वो करी है लुई पाश्चर ने। शरीर में आयरन की कमी होती है, रतौंधी, एनीमिया, डायबिटीज, हैजा? तो शरीर में आयरन की कमी होती है रतौंधी। अलमाटी बांध कृष्ण नदी पर है किस राज्य में है? असम में, कर्नाटक में, गुजरात में या उड़ीसा में? तो यह है मेरे भाई कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 13, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन आपके सामने, 1940, 1945, 1954, 1956? तो स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1956 में। क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम, कैंडला, वोल्ट, जूल? तो इसका होता है ओम। क्वेश्चन नंबर 15, मायोपिया का अर्थ होता है दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष या ए/बी दोनों और नन कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष। गोकक यानी 17वां क्वेश्चन
थोड़ा भाई यहाँ लिखने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस 16वां क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है। गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन आपके सामने बेलगाम, धारवाड़, रायचूर, तो ये है बेलगाम में। 18वां क्वेश्चन, किस देश को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था? किस देश को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन आपके सामने चीन, जापान या इनमें से कोई नहीं, तो ये जापान। काला शीशा, काला शीशा किसे कहा जाता है? ग्रेफाइट, कोयला, कार्बन और यूरेनियम। तो काला शीशा कहा जाता है मेरे भाई ग्रेफाइट को। उजला सोना किसे कहते हैं? उजला सोना कोयला, चाय, कपास, पेट्रोल, तो उजला सोना कहते हैं कपास। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 1, 2, 3 या 4? मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो वो होते हैं भैया 2। क्वेश्चन नंबर 22, इंडिका किसकी रचना है? इंडिका किसकी रचना है? मेगस्थनीज, कौटिल्य, प्लेटो, कबीरदास, तो ये है भैया मेगस्थनीज। लाखबख्श किसका उपनाम है? लाखबख्श किसका उपनाम है? कुतुबुद्दीन ऐबक का, फिरोज शाह तुगलक का, मोहम्मद गोरी का या इल्तुतमिश का? लाखबख्श तो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम है भैया। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्री के, वित्त सचिव के या एनओडी, किसी के नहीं। तो इसका राइट आंसर भैया वित्त सचिव। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में, कलकत्ता में, मुंबई में, चेन्नई में? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26, सचिन तेंदुलकर ने दोहरा शतक किस टीम के खिलाफ लगाया? तो ऑप्शन आपके सामने ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तो भैया इसका सही जवाब है बांग्लादेश। बांग्लादेश और स्टेडियम का नाम था मीरपुर। वर्तमान भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? वर्तमान भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 21, 24, 23, 25? तो इसका सही जवाब भैया 25। FBI की फुल फॉर्म, FBI की फुल फॉर्म होती है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। विप्रो के CEO, ऑप्शन आपके सामने नीमच वाला, टिम कुक, सत्य नडेला, अंबानी, तो इसका सही जवाब भैया नीमच वाला। होम्योपैथी के आविष्कार, होम्योपैथिक के आविष्कारक हनीमैन, मैकुलम, फंक, एडवर्ड, तो इसका सही जवाब है हनीमैन। सूडान की राजधानी, ऑप्शन आपके सामने वेलिंगटन, बर्लिन, खरतूम, कैनबरा, न्यूजीलैंड की है तो वेलिंगटन, और ये जर्मनी की है बर्लिन, और ये कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की, तो सूडान की भैया खरतूम। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों हम जितनी मेहनत से
आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो थोड़ा बहुत हक आपका भी बनता है उसमें योगदान देने का। तो दोस्तों आज मैं बहुत ही आपके लिए एकदम राइटिंग भी थोड़ी सी मीडियम करी है मैंने, थोड़ा मोटा मोटा करके, जिससे आपको स्क्रीनशॉट ले के और इनको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। कुछ भाई का मेरे का एक कमेंट आया था कि भैया थोड़ा